आप सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। प्रथम तो आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं गुरुकुल की ओर से एक संदेश आप सब तक पहुंचाना चाह रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक सुने ताकि वो संदेश पूरा आप सुन सके। देखिए, जो भारतवर्ष देश है ये विश्वगुरु रहा था, और विश्वगुरु जब ये था तब यहाँ अनेक गुरुकुल हुआ करते थे, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते जहाँ देश विदेशों से लोग पढ़ने आया करते थे। लेकिन कुछ कालखंड ऐसा आया कि वो गुरुकुल नष्ट कर दिए गए। फिर उसके बाद वो मैकाले शिक्षा पद्धति आ गई, मैकाले आया, उसने अपनी पद्धति थोप दी, गुरुकुलों का बचा हुआ कुछ था उन्होंने नाश कर दिया, और वो एक ऐसी शिक्षा नीति यहाँ पर लागू कर दी कि इस देश से गुलाम निकलने लग गए, नौकर निकलने लग गए, जो दुनिया को रास्ता दिखा सकते थे, बड़े बड़े शोध कर सकते थे और विद्याओं में पारंगत हो सकते थे, उस प्रकार वो होना बंद हो गया है। और अब कुछ सरकारें प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन अब भी विदेशों की नकल की जा रही है, कहीं ना कहीं मैकाले पद्धति के कारण हमारे हाथ से बंधे हुए हैं। अब भी दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हमारे ऐसा नाम मिलता नहीं। तो हमने इसीलिए एक गुरुकुल आरंभ किया कि इस प्रकार की जो हमारी पुरानी विद्याएं थी, जो शास्त्रों में शोध था वो हो सके, और उसमें जो छिपा हुआ विज्ञान है उस तक हम पहुँच सकें। उस ज्ञान विज्ञान तक पहुँचने के लिए ये ब्रह्मचारी आपके आगे उपस्थित हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गुरुकुल का एक चैनल भी है, उस पर जाकर के आप सारी गतिविधियाँ देख भी सकते हैं जो मेहनत इन्होंने की है। चलिए, तो मैं कह रहा था कि जो मैकाले ने हमारे गुरुकुलों की स्थिति जो दयनीय कर दी थी, उसके बाद हमने संकल्प लिया कि गुरुकुलों को फिर से हम खड़ा करेंगे, जो समाज में भी गुरुकुलों की छवि बिगड़ी थी उसको सुधारेंगे, और पुनः देश को एक नया अच्छा रूप देंगे, आकार देंगे, देश एक ऐसा बन सके जहाँ एक चरित्रवान विद्वान लोग निकल सके, जो आज व्यभिचार छल कपट ये बड़ा हुआ इसका नाश हो चुके, और वो तभी हो सकेगा तब गुरुकुलों में आकर के पढ़ेंगे, गुरुकुलीय शिक्षा लेंगे। लेकिन क्या है कि गुरुकुलों को बढ़ाना सरकारों को भी वैसा सहयोग मिल नहीं पाता, और अनेक अभाव से गुजरना पड़ता है, उन अभाव के कारण बहुत से कार्य हमारे बाधित होते रहते हैं। इसलिए हम आपसे एक सहयोग चाहते हैं, उस सहयोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप वो सहयोग करें और इन गुरुकुलों को आगे बढ़ाने में, राष्ट्र के निर्माण में आप हमारे सहायक बने। तो मुख्यतः हम आपसे तीन सहयोग चाहते हैं। प्रथम सहयोग ये है कि आप सभी अपने ब्रह्मचारियों को, अपने बच्चों को गुरुकुल के लिए तैयार करें, उनको घर पे ही अच्छी शिक्षा देवें, और फिर उनकी 7-8-9-10 वर्ष आयु हो जाए जब अच्छी शिक्षा दे दी आपने, तब तक उन पर नियंत्रण रखा, फिर उनको हमारे पास भेजे ताकि हम उनको आगे वैसा वैसा राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी करवा सके, उनको उस प्रकार योग्य बना सके। ये पहला सहयोग है। दूसरा सहयोग ये है कि हम यहाँ गुरुकुल में पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, लोगों को गुरुकुलों का पता नहीं होता, तो जो कोई इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके मन में कोई तड़प है कि देश राष्ट्र कुछ किया जाना चाहिए, और विद्यालयों से भी उनको वो वातावरण नहीं मिला कि जिस वातावरण में वो योग्य विद्वान तैयार कर सकते हैं, तो यहाँ उनके लिए अवसर है कि वो हमसे जुड़े और इन ब्रह्मचारियों के लिए समय देवें, उनको वैसा वातावरण मिलेगा और यथा सामर्थ्य उचित मानदेय भी दिया जाएगा, जिससे वो अपनी योग्यता जो रखते हैं उस योग्यता के द्वारा इनको पारंगत करने के इच्छुक हैं तो वो भी हमारे पास आए, उनका भी स्वागत है, वो भी सहयोग कर सकते हैं। तीसरा सहयोग है कि बहुत की ये इच्छा होती है कि हम हर महीने थोड़ा थोड़ा सहयोग गुरुकुल में करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमने अब की बार एक प्रक्रिया आरम्भ की है कि वो सहयोग हम ग्रहण करेंगे और वो पूरी पारदर्शिता के साथ इन पर लगाएंगे। वो क्या है कि आप अधिक नहीं तो कम से कम 50-100 रुपये तो गुरुकुल को दे ही सकते हैं हर महीने, ये कोई अधिक नहीं है। आज बाज़ार में जाते हैं तो 500-1000 रुपये खर्च करते हुए समय नहीं लगाते और वो कोई काम भी नहीं आता। यहाँ तो आपका जो धन है वो इनके निर्माण में लगेगा, राष्ट्र के निर्माण में लगेगा, आपको पुण्य मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, महीने में 100 रुपये, कम से कम 100 रुपये तो भेज ही देवें। उसके लिए हम आपको एक खाता बताएंगे, उस खाते में डलवा देवेंगे, गूगल पे आदि सब कर देवेंगे। जो जो दानी सज्जन होंगे, जो सहयोग करेंगे, उनको एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। उन सब की जो रसीदें हैं वो रसीदों को भी उसमें डाला जाएगा, और वो सारा महीने के अंत में कितना हो गया और हमने कहाँ लगाया उसका भी सारा ब्यौरा उनको दिया जाएगा।
तो ये उससे उनको ये लगेगा कि हाँ हमारा धन हमने जो दिया वो सारा इतना कुल हुआ और ऐसे ऐसे लगा दिया लगाया गया, तो उनको संतुष्टि मिलेगी और पारदर्शिता भी रहेगी। तो इस प्रकार की ये जो तीन सहयोग हैं आप करें, आपके सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे, गुरुकुल को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा आप करेंगे। तो इस वीडियो को आपने अंत से सुना, अंत तक सुना, आप सभी का धन्यवाद। ओम नारा भारत माता की जय। उनकी परंपरा चलती रहे। संसार के सभी श्रेष्ठ पुरुषों नमस्ते जी।